खबर मिर्जापुर से। मिर्जापुर से ड्रामनगंज थाना क्षेत्र के भैसोड़ बलाय पहाड़ के पास दर्शनार्थियों से भरी बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बस सवार 60 तीर्थयात्री काठमांडू से दक्षिणोपरांत वापस सीधी मध्य प्रदेश लौट रहे थे। सभी यात्रियों को सकुशल बचा लिया गया है। मौके पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पा लिया। बस पूरी तरह से जल गई। शिरडी से यात्रियों को लेकर बस काठमांडू गई थी। सभी यात्री दर्शन करके लौट रहे थे। भैसोड़ बलाय पहाड़ के पर चढ़ते समय बस के इंजन से धुआं निकलने लगा, जिस पर चालक ने वाहन रोक दिया। धुआं गहरा होने पर यात्री एक एक करके नीचे उतर गए। यात्रियों का उतरते ही धुआं लपटों में बदल गया। यह देख सड़क से गुजर रहे वाहन अंतराल बनाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर में वाहनों की कतार लग गई। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के जवान पहुंचे। धधक रही आग पर काबू पाया गया। एसपी नक्सल ने बताया कि बस में सवार सभी दर्शनार्थी सकुशल एवं सुरक्षित है। सूचना पर फायर सर्विस तथा थाना ड्रमनगंज पुलिस बल द्वारा मौके पहुंचकर फायर सर्विस की मदद से आग बुझा दी गई। मिर्जापुर के थाना ड्रमनगंज के ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड़ के पास एक प्राइवेट बस जो तीर्थ यात्रियों को काठमांडू से वापस सीधी लेकर जा रही थी, उसकी रियल टंकी में आग लग जाने से बस में आग लग गई। सभी 60 जो तीर्थयात्री थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। सभी सुरक्षित हैं। बस को में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजी गई है। थाना प्रभारी दमनगंज और इंस्पेक्टर लालगंज और एसओ हलिया मौके पर मौजूद हैं। लौटने की समस्या नहीं है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।